नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज जनसुनवाई के दौरान मांडू स्थित विनायक कुंज कॉलोनी के लोगों ने डॉक्टर पंकज जैन के समक्ष बगीचे की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण व लेआउट डालकर प्लाटों के बेचने व शेड डालकर रखने की शिकायत कलेक्टर पंकज जैन को की थी। धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने तुरंत तहसीलदार विनोद राठौर को मौके पर जाकर निरीक्षण कर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के निर्देश देते। ऐसे में वन विभाग के सामने बनी विनायक कुंज कॉलोनी में राजस्व विभाग नगर पालिका की संयुक्त टीम तुरंत पहुंची। अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अतिक्रमण हटाया गया। यहां पर टीन शेड के हिस्से में कॉलोनी के ठेकेदार ने अपना सामान रखा हुआ था, कब्जा कर रखा था। दूसरे हिस्से में चौकीदार ने कब्जा जमाया था। ऐसे में दोनों टीन शेड को हटाया गया। वहीं इसके पीछे स्थित जमीन पर सीमेंट कंक्रीट की दीवार भी बना रखी थी, जिसे जेसीबी से तोड़ा गया। निरीक्षण करने पहुंची टीम ने चूने की लाइन से लेआउट डाला हुआ दिखाई दिया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। उक्त जमीन की कीमत 80 लाख रुपए है, जो कि 3300 वर्ग फीट की जमीन है। प्रशासन ने इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर।